Hello students, welcome back to my class. Today we are going to discuss the most important chapter of your textbook, Women and Development. ये जो chapter है, हर साल इस chapter से questions पूछे जाते हैं, या तो question answer section में, या फिर as an essay. So let's start with the chapter. ये जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वो लास्ट 3 या 4 इयर्स के ही क्वेश्चंस हैं. देखिए, राइट अ समरी ऑफ द एसे वुमेन एंड डेवलपमेंट. तो ये जो चैप्टर है उसकी पूरी समरी ही आपको उसमें लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फेमिनिज्म, हाउ इज इट मीनिंगफुल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. फेमिनिज्म मतलब नारीवाद जिसको हम बोलते हैं, तो ये भारतीय संदर्भ में किस तरीके से अर्थपूर्ण है, फेमिनिज्म को आपको समझाना है. क्वेश्चन नंबर 3, विथ रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन वुमेन, व्हाट आर द थीम्स विच शुड बी प्रैक्टिकली कंसिडर्ड. भारतीय महिलाओं के विकास की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से थीम हैं जिनको हमको अपने दिमाग में रखना होगा ताकि हम उनका विकास कर सकें. और यही क्वेश्चंस जो है ऐसे में भी पूछे जाते हैं. जैसे टॉपिक्स ऐसे होंगे, देखिए, कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो भारत में महिलाओं की स्थिति. प्रीडिकमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की समस्याएं. रोल ऑफ वुमेन इन फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत में महिलाओं का रोल या उनकी भूमिका. और वुमेन इन डेवलपमेंट, तो ये तो पूरा चैप्टर का ही आपका टॉपिक है. एंड देन फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट राइट्स एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन. तो महिलाओं के अधिकारों की बात करना, उनकी समाज में बराबरी की बात करना, वही फेमिनिज्म है. तो इस पर भी ऐसे पूछा जाता है. हर साल के क्वेश्चन पेपर में या तो चैप्टर पे क्वेश्चन आंसर में ये टॉपिक होगा, या फिर ऐसे का आप लोग लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं. तो ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और मैं जो आंसर आप लोगों को दे रही हूँ, इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं. बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा जाए इस टॉपिक पे ऊपर, तो आपको आंसर 150 वर्ड्स में लिखना है. अगर यही क्वेश्चन ऐसे में आता है, देन यू आर सपोज टू राइट इन 300 वर्ड्स. तो लगभग 300 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना होगा. मैं जो आंसर आप लोग को दे रही हूँ, इट इज मोर देन 300 वर्ड्स. तो ये ऐसे के लिए भी सफिशियंट है. अगर आप इसको क्वेश्चन आंसर में लिखना चाहें तो जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उस हिसाब से आप कुछ पोर्शन को कट कर सकते हैं. अगर फेमिनिज्म पूछा जाए तो समरी के कुछ पोर्शन आप छोड़ सकते हैं. अगर समरी पूछी जाए तो फेमिनिज्म का जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं. बाकी आंसर यही सब में आप लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द समरी ऑफ द चैप्टर. वुमेन एंड डेवलपमेंट, महिलाएं और उनका विकास. सो दिस इज द चैप्टर. डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अवर पॉपुलेशन. तो किसी भी देश की, किसी भी समाज की जनसंख्या का लगभग आधा इस हिस्सा जो है वो महिलाओं का होता है. तो किसी भी समाज का विकास, इट इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इज टेकन केयर. तो महिलाओं का विकास अगर नहीं होगा तो किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है, क्योंकि आधी संख्या उनकी है. How can we move forward only with 50% strength of our society? तो समाज के आधी जनसंख्या को अगर हम विकसित कर भी लें तो आधे को छोड़कर हमारा समाज विकसित नहीं कहला सकता. It was only in the decade of 70s that along with development, demand for equality of women and their rights emerged for the first time. तो भारत में particularly 1970 के दशक के आसपास पहली बार महिलाओं के अधिकारों के लिए डिमांड, यानी कि मांग, उनकी इक्वालिटी, बराबरी के लिए, और देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए मांग उठने लगी. फेमिनिज्म एमर्ज्ड एज अ पावरफुल मोमेंट ड्यूरिंग दिस एज. और इसी समय पर, इसी युग में फेमिनिज्म का उदय हुआ. फेमिनिज्म जिसको हम हिंदी में नारीवाद के नाम से जानते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज फेमिनिज्म. फेमिनिज्म इज अ कंसेप्ट विच हैज स्ट्रॉन्ग बिलीफ that the principle that women should have the same rights and opportunities as men.
तो नारीवाद या फेमिनिज्म वो धारणा है जो इस बात पर विश्वास करता है, इन द प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को मानता है कि विमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मेन। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज, उनके अवसर भी, पुरुषों को जितने अवसर विकास के प्राप्त होते हैं वो सब उनको प्राप्त होना चाहिए। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो महिलाओं के हर क्षेत्र में उनके विकास और अधिकारों को लेकर, चाहे सामाजिक हो, चाहे इकोनॉमिक आर्थिक हो या फिर पॉलिटिकल, तो राजनैतिक अधिकारों को लेकर महिलाओं के तरफ से जो मांग की जाती है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, जितने क्रियाकलाप होते हैं वो सब फेमिनिज्म के अंतर में आते हैं। इट टॉक्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। तो फेमिनिज्म जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करता है, जिससे जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, मतलब समाज में महिलाओं और पुरुषों में समानता, उनके अधिकारों में समानता आ सके। वन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। तो वो ऐसा कोई भी आदमी जो महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार की बात करता है, ही इज कॉल्ड एज अ फेमिनिस्ट। उसको हम फेमिनिस्ट के नाम से जानते हैं। विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, डिमांड फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे महिलाओं में शिक्षा का प्रसार होता गया, उनमें जागरूकता आने लगी, तो उनके अधिकारों की मांग भी उठने लगी, उन समाज में उनके बराबरी की मांग भी होने लगी। वुमेन हैव फेस्ड एज लॉन्ग सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो महिलाओं को एज लॉन्ग, बहुत लंबे समय से सप्रेशन, दमन का शिकार होना पड़ा है, एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण होता रहा है। तो देयर हैव बीन मेनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फॉर देयर राइट्स, बट दे वर लिमिटेड टू अपर एंड मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो भारत के इतिहास को भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो कि समाज सुधार के लिए किए गए, सोशल रिफॉर्म, और समाज सुधार में महिलाओं का उत्थान भी शामिल था, लेकिन इट वॉज लिमिटेड टू अपर एंड मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी। लेकिन ये जो आंदोलन था वो सिर्फ समाज के उच्च वर्ग में या फिर उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया लेड बाई महात्मा गांधी दैट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू अपर एंड मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में जब आंदोलन चलाया गया, तो पहली बार इतनी भारी संख्या में महिलाएं अपने घर से निकली, वो भी उच्च वर्ग के हो चाहे मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाओं ने पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में भारी संख्या में वो शामिल हुए। द फ्रीडम मोमेंट ब्रॉट देम आउट ऑफ देयर सेक्लूजन। तो ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, इसके कारण महिलाएं पहली बार अपने घर की चार दीवारी से बाहर आई, सेक्लूजन, जो अलग थलग वो पड़े हुए थे उससे पहली बार वो बाहर निकले, एंड पेव्ड द वे टुवर्ड्स ग्रांटिंग देम इक्वल सोशल, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और यही जो आंदोलन था, यही जो जागरूकता थी, पेव्ड द वे, इसी ने रास्ता बनाया कि महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार मिले, सामाजिक, राजनैतिक या फिर संवैधानिक रूप से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो ये सब में उनको बराबरी का हक मिले। विथ रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन वुमेन, थ्री फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। जब हम भारतीय महिलाओं के विकास की बात करते हैं तो तीन चीजें हैं जो हमको अपने दिमाग में रखना जरूरी है, जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। फर्स्ट, एक्यूरेट डाटा शुड बी अवेलेबल अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो महिलाओं की समाज में वास्तविक स्थिति क्या है, इसके डाटास एक्यूरेट होने चाहिए, सही सही आंकड़े हमको उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि जो उपलब्ध आंकड़े हैं उन्हीं पर आधारित आगे आने वाले समय की नीतियां जो है, महिलाओं के विकास की जो नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आंकड़े सही सही उपलब्ध हों सही समय पर।
तो पहला फैक्टर तो ये हुआ कि हमारे पास डाटास अवेलेबल होने चाहिए अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन, दैट शुड ऑल्सो बी एक्यूरेट, पूरी तरह सही आंकड़े हमारे पास हों। सेकेंड, ऑन हाउ डेवलपमेंट नेगेटिवली इफेक्ट वुमेन, हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से विकास की कुछ जो नीतियां हैं वो महिलाओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कहने का अर्थ ये है कि कुछ योजनाएं बनती है महिलाओं के विकास के लिए लेकिन उसका उल्टा असर उनके विकास पर पड़ता है। जिस तरीके से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए सरकार की नीति आई कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिया जाए, मातृत्व अवकाश दिया जाए, छोटे जो बच्चे हैं वर्कर्स के उनके लिए झूले घर की व्यवस्था की जाए, तो ये जो गवर्नमेंट की सारी नीति थी उनके कारण प्राइवेट सेक्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली जो कपड़ा उद्योग है वहाँ पर जो कामगार महिलाएं थी उनकी संख्या और कम हो गई, क्योंकि निजी कंपनियां उनको ऐसे ज्यादा भुगतान करने में समर्थ नहीं थी तो उन्होंने महिलाओं को काम में लेना ही कम कर दिया। तो ये एक ऐसी योजना थी जिसका महिलाओं के विकास पर और विपरीत असर पड़ा था, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। थर्ड, द रेलिवेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स टू व्हाट डिग्री दे आर कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो जब महिलाओं के विकास की कोई योजना बनाई जाती है तो उनके सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, उनकी सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक तथ्यों को भी ध्यान में दिया जाना जरूरी है, क्योंकि सभी वर्ग की महिलाएं, उन सभी के लिए एक समान अगर नियम बना दिए जाएं तो हो सकता है कुछ के लिए वो सही ना हो। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वुमेन देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स टू चेंज। तो महिलाओं की जब विकास की बात आती है तो महिलाओं का विकास में अभी तक पिछड़ापन जो है उसके लिए स्वयं महिलाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। ऑब्स्टेकल्स, देमसेल्व्स आर क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स, मतलब वे खुद बाधा अपने विकास के रास्ते पर बाधाएं खड़ी करती हैं। सो एनलार्जमेंट ऑफ वुमेन कॉन्शियसनेस इज नेसेसरी। इसलिए एनलार्जमेंट मतलब विस्तृत करना, कॉन्शियसनेस महिलाओं में जागरूकता लाना जरूरी है कि उनको स्वयं के अधिकारों का ज्ञान हो। एट द सेम टाइम ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशंस विल हैव टू बी एक्सपोज्ड एंड वीमेन्स व्यू शुड बी इंजेक्टेड इन टू क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो एक तरफ तो महिलाओं को उनके ही अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी है, जागरूकता के अभाव में महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं दे पाती, शोषण के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा पाती। दूसरी तरफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, हर प्रकार का जो असमानता है, एक्सप्लॉयटेशन, हर प्रकार के शोषण को विल हैव टू बी एक्सपोज्ड, उनको बाहर लाना पड़ेगा। एंड वीमेन्स व्यू शुड बी इंजेक्टेड इन टू क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्लानिंग। तो जो नीतियाँ जो बनती है उनके सभी क्षेत्रों में विकास की जो नीतियाँ हैं उनमें महिलाओं के विचार को शामिल किया जाना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं का विचार जब तक उसमें शामिल नहीं होगा तब तक महिलाएं स्वयं क्या चाहती है ये नीति निर्धारकों को पता नहीं चल पाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज एवर इनवाइटेड। तो हमेशा हर किसी समाज के विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। विदाउट देयर हेल्प वी जस्ट कैनॉट थिंक ऑफ डेवलपमेंट। तो महिलाओं के सहयोग के बिना हम किसी भी समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म मटेरियलाइजेस ओनली व्हेन वुमेन गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इक्वालिटीज। तो फेमिनिज्म की धारणा तभी कॉन्क्रीट मटेरियलाइज सार्थक हो सकती है जब हर प्रकार की असमानता को हटा दिया जाए, महिलाओं को पूरी तरह बराबरी का अधिकार मिले। नो डाउट वुमेन मस्ट गेट वॉट एवर मेन हैव गॉट। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो महिलाओं को वो सारे अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिले हुए हैं। फिलिंग इन द गैप बिटवीन द लॉयर्स लॉ एंड द रियलिटी इज नेसेसरी फॉर रियल डेवलपमेंट। तो समाज में महिलाओं के वास्तविक विकास अगर हमको करना है तो हमको उस गैप को भरना होगा लॉयर्स लॉ, मतलब जो कानून बने हैं, एंड द रियलिटी, और उन कानून का क्रियान्वयन कितना हो पा रहा है। ये दोनों के बीच में जब तक खाई रहेगी, जब तक सभी कानूनों का क्रियान्वयन वास्तविक रूप से नहीं होगा तब तक हम वी कांट थिंक ऑफ डेवलपिंग वीमेन इन अवर सोसाइटी।
ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। फेमिनिज्म में भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, चैप्टर की समरी आएगी तो ये पूरा आंसर आप लिख सकते हैं। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली, कीप वॉचिंग द वीडियो चिल्ड्रन एंड कीप राइटिंग मी योर कमेंट्स। ओके थैंक यू।